बोल बम जय भोले की। लो जी भाई, सुबह सुबह का नाश्ता आ गया है फाइनली। छोले भटूरे साथ में है, अच्छा मिर्ची भी दे दी है भाई, ये तो सही हो गया है। हम ना गाइस हनुमान लाल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये देखो भाई, राइडर भाई लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे। कहाँ से है? MH 43। ये देखो भाई, यहाँ पे सिस्टमेटिक बना हुआ है। और यहाँ पे अभी अपन लेने वाले हैं लॉकर, जिसमें रहेगा। ये देखो सरयू नदी का पानी, भाई योगी जी आ रहे हैं ना, इस नाम से इसकी गेट बंद किया हुआ है। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे न्यूज चैनल का लाइव भी आ रहा है, भी आ जाएंगे, शूट तो हो गया अपना। यहाँ पे देखो लंगर की सेवा चल रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मॉर्निंग के बाद आपके साथ मॉर्निंग के टाइम हो रहे हैं। टाइम चेक कर लो, 8:40 होने को आ गया। फिलहाल यहाँ पे मॉर्निंग का रश नेक्स्ट लेवल। पिछली वीडियो तो आपने देखी होगी कितना नेक्स्ट लेवल वाला रश है, और बढ़ गया भाई साहब रश। हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई, यहीं बूंदाबांदी बारिश भी हो रही है। ओहो, यहाँ पे ना सॉन्ग वगैरह चल रहा है, शोर शराबा हो रहा था। फिलहाल हम रेडी हो गए। आज मैं विरजी ने पहने कुर्ता पजामा कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना भाई। तो यहाँ पे चल रही है इस कावड़ यात्रा, वो देखो कावड़ यात्रा भी चल रही है, बहुत ज्यादा रश हो रखा है। और आज स्पेशल भाई योगी जी आ रहे हैं, तो काफी ज्यादा भीड़ रहने वाली है आज। जो कि उत्तर प्रदेश के ना चीफ मिनिस्टर है, CM है, तो उस नाम से ना और ज्यादा यहाँ पे भीड़ हो रखी है। और दूसरा जो कावड़ यात्रा चल रही है, नाम से और ही भीड़। लाइन से दुकानें लगी हुई है, स्टॉल लगे हैं ना, और यहाँ पे खाने पीने की भी शॉप ही, चाय वाय भी बन रही है, समोसे वगैरह, मिठाई भी मिल जाएगी, ये चीज बड़ी है। लाइन से मिठाई की काफी सारी, प्रसाद के लिए ना काफी सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी। अमृतसरी स्पेशल चूर चूर नान, अभी सुबह सुबह का नाश्ता यहाँ पे होने वाला है। अभी मेनू चेक कर लेते हैं ना, मेनू में क्या क्या है। रोज भाई सुबह सुबह का नाश्ता आ गया है फाइनली। छोले भटूरे साथ में है, अच्छा मिर्ची भी दे दी है भाई, ये तो सही हो गया। तो चलो जी फाइनली अभी ये नाश्ता भी हो गया, लेकिन एक बार सामने भीड़ चेक कर लो, नेक्स्ट लेवल भाई दर्शन करने के लिए। बैरिकेड लगे हुए हो, पीछे से लाइन आ रही है भाई सब दर्शन करने के लिए। होए 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 होए, काफी खतरनाक भीड़ हो रखी है भाई। अब अपन बीच बीच से जा रहे हैं, कहीं से अपना रास्ता मिले बीच में घुस जाएंगे। तो अभी ना गाइस हनुमान लाल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, राम जी के अभी जाएंगे, इसके बाद ना राम जी के दर्शन करने के लिए चलेंगे भाई। बीच बीच में लाइन में चले जाते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा अपन करते करते आगे पहुंच गए। काफी ज्यादा उमस हो रखी है, उमस के नाम से साफ बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा। एकदम पीछे में थे तो एकदम आगे आ गए, और अभी थोड़ा और अंदर जाना है, फाइनली दर्शन हो जाएंगे भाई। भाई पानी वानी भी अगर नहीं पी लिया, दुकान में 5-10 मिनट रेस्ट ले लिए। अभी जा रहे हैं अपन राम जी के दर्शन के लिए, और बीच से ही गली गई है ना, वहाँ से जा रहे हैं। और देखो यहाँ दुकानें लगी हुई है भाई, चेक कर लो, राइट एंड में भी दुकान है, टॉयज बच्चों के टॉयज भी मिल जाएंगे वहाँ पे। तो भाई साहब वॉकिंग डिस्टेंस में था, 500-600 मीटर था, अभी अपन पहुँच गए राम जी के तीर्थ स्थान में। वो देखो बोर्ड भी लगा हुआ है, ये देखो भाई राइडर भाई लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे। कहाँ से है? MH 43। काफ़ी भीड़ हो रखी है भाई साहब, बहुत लोग हैं यहाँ पे ना, सिस्टमेटिक है, तो चलते जाएंगे ना तो इतना पता नहीं चलेगा।
ये देखो भाई यहाँ पे सिस्टमेटिक बना हुआ है और यहाँ पे भीड़ देख लो, भीड़ आपको लग नहीं रही है ना, आगे चलेंगे ना आगे जाके अपने को भीड़ मिलेगी, काफी ज्यादा भीड़ है वहाँ। तो नॉर्मली अपन चल रहे हैं ना, आगे चल के आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे ना गाइस वीडियो बनानी भी अलाउ नहीं, आगे ना फोन सबमिट हो जाएगा ना, तो अंदर फोन तो ले जा नहीं पाएंगे, पूरा सामान यहाँ पे गटरी आ रहे हैं, वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। बीच में रुक गए, थोड़ा साइड हो जाइए। कहाँ तो यहाँ पे अभी अपन लेने वाले हैं लॉकर, जिसमें रहेगा अपना मोबाइल पर्स वर्स पूरी अमानत में यहाँ पे रख देंगे। बस अंदर वीडियो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। चलो जी, यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है और काउंटर पे लेके निकल गए, अच्छे से बढ़िया से दर्शन हो गए। इतनी ज्यादा भाई, इतना पब्लिक हो रखी थी ना, इतना धक्का मुक्की, ऊपर से इतनी गर्मी, अभी पूरा अंदर काम चल रहा है मेंटेनेंस का। अभी जिनको बातें करनी, कैमरा चालू किए, इतना तेज 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 बातें कर रहे हैं ना। चलो थोड़ा आगे जाके ब्लॉग बनाते हैं। काफी ज्यादा चलना पड़ता है भाई अंदर में, बहुत चलना पड़ता है। अभी अपन दर्शन करने 9:30 तक गए थे, देखो 11 बज रहे और अभी अपन निकल रहे भाई साहब। फिलहाल तो गाइस पानी बॉटल लेंगे, काफी ज्यादा प्यास लग रही है ना। बाकी आगे चल क्या सीन रहता है वो आके आपको बताता हूँ। ये देखो भाई योगी जी आ रहे हैं, तो सफाई चल रही है यहाँ पे। चलो वहाँ से वाटर बॉटल ले रहे हैं ना, फिर जी सही हो जाएगा पानी। काफी ज्यादा गर्मी हो रखी है, देखो हमारे कुर्ते पजामे पूरे, मेरे पीछे से पूरा गंदा हो गया कुर्ता। तो फिलहाल अभी अपन पहुंच गए लता मंगेशकर चौक और यहाँ पे चेक कर लो, फोटो शूट कैमरा मैन लेके बैठे हो, देखो आंटी की फोटो खिंचा, आंटी की फोटो खिंचा रही कैमरा मैन, देखो यहाँ पे। नहीं नहीं भैया नहीं, चलो भाई कैमरा मैन है, फोटो अपन खिंचवाने वाले, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम की, वो आपको इंस्टाग्राम में देखने को मिलेगी। नहीं ये मालिक, नहीं नहीं गुस्सा हो जाएंगे, चलो वहाँ पे नहीं लगाना। तो अयोध्या पे अभी भैया मिले थे, 1-2 किलोमीटर भैया के साथ घूमे, काफी मजा आ गया अपने को। यहाँ पे देखो मेरी फोटो खिंचा रहे स्टाइल, ओए 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 ओए। इसके बाद अपनी फोटो शूट होगी, पहले भैया ले वीर जी करा रहे हैं ना, उसके बाद अपन चौक चेक कर लो, काफी फेमस चौक है भाई लता मंगेशकर चौक है। तो दोस्तों फोटो शूट पार्ट डन, काफी अच्छी अच्छी फोटो आई है। फिलहाल यहाँ से अभी अपन जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, सरयू नदी के पास अभी अपन जा रहे हैं। यहाँ पे आके थोड़ा शांति लग रही है भाई साहब, इतना रोलर अप्पा वहाँ पे हो रखा था ना, काफी नेक्स्ट लेवल का रोलर अप्पा था वहाँ पे, देखो पूरी पार्किंग बनी हुई है यहाँ पे। ये चेक कर लो भाई साहब, सरयू नदी है, वो देखो पानी वहाँ से आ रहा है सामने से, काफी मस्त व्यू आ रहा है, बहुत जोरदार भाई। चौधरी चरण सिंह घाट है भाई साहब ये, और ये देखो यहाँ पे खाने पीने के लिए यहाँ पे बना हुआ है, देखो आगे में भी है वेजिटेरियन, इधर भी रोड गई है हाईवे है पूरा। अभी तो फिलहाल रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं, यहाँ पे देखते हैं मेन्यू क्या चल रहा है, कुछ खाते पीते कबड्डी लोग यहाँ पे बैठे हैं भाई साहब। हेलो भाई, यहाँ पे लगने वाला है अभी टाइम, यहाँ पे खाना पीना काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो आपको घाट सामने देखो बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है ना, वहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं। सामने ना दोस्तों रेलवे का पुल भी है और यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे अभी चलते पास पे चल के दिखाएंगे ना, देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, सामने ट्रेन जा रही है ना, ओहो नेक्स्ट ही लेवल भाई। ये देखो सरयू नदी का पानी काफी चढ़ा हुआ है भाई साहब, पानी तो हो लिटरली भाई, हाई व्यू आ रहा है, जस्टिफाई कुछ वर्ड्स नहीं है कहने के लिए, और सामने पब्लिक नेक्स्ट ही लेवल पब्लिक है। कितने सारे कवाड़ियाँ आई हुई है भाई वहाँ पे, देखो ट्रैक्टर वैक्टर भी आए हुए हैं, बाइकों से भी आए हुए भाई, गाने बजा रहे हैं वहाँ पे, बहुत सारे कवाड़ी है देखो, चेक करो ये सब। आगे जाएंगे राम जी के मंदिर वहाँ पे कवाड़ी, हो पूरा भरा पड़ा है आप। चलो जी अभी वीर जी पी रहे कोल्ड ड्रिंक और अपने लिए आ रही कॉफ़ी, फिलहाल यहाँ पे बैठते हैं और बाहर का व्यू चेक कर लो भाई। लो जी गाइस कॉफ़ी भी आ गई, वाह वाह वाह, कलर तो काफ़ी मस्त है भाई। अभी खाना पीना डन हो गया, अभी आपको टाइम बता दे तो अभी टाइम हो रहा है भाई, घड़ी चालू नहीं होती यार, ये सब 1 बज रहा है, फुल टाइम पास यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सीटी बज रही है, किचन है ना पीछे में। चलो भैया हाईवे में अभी अपन बोल बम, जय भोले की, बोल बम बोल बम बोल बम।
यहाँ पे चेक कर लो, रैन बसेरा भी यहाँ पे बना हुआ है, उसके जस्ट सामने मेमोरियल पार्क, यहाँ पे चलते हैं भाई साहब। अभी तो बहुत टाइम है अपने पास, गाड़ी है अपनी 3:30 बजे की, सीधा चलते हैं ना, तो रास्ता लेकिन बंद है भाई। योगी जी आ रहे हैं ना, इस नाम से इसकी गेट बंद किया हुआ है मेमोरियल पार्क का, तो शायद ना योगी जी यहाँ पे भी आएंगे। सिक्योरिटी हो रखी है आज ही, ज्यादा सिक्योरिटी है। दुकानें चेक कर लो भाई, दुकानें लगी हुई है हर प्रकार के प्रसाद लेके जाने के लिए, डब्बे वब्बे भी मिल जाएंगे भाई साहब, चूड़िया भी है, चश्मे भी है। ये देखो भाई साहब यहाँ पे न्यूज चैनल का लाइव भी आ रहा है, उसमें क्या पता अपन भी आ जाएंगे, शूट तो हो गया अपना भी। चलो तुसी भी आ रहे हो वैसे। हनुमानगढ़ी है 1.5 किलोमीटर और उससे आगे गुरुद्वारा साहब है, समझ लो 2-2.5 किलोमीटर। अभी अपने को पैदल पैदल जाने भाई साहब। ये देखो हॉर्न बजा के, अरे साला तेरी पार देना है भाई। यहाँ पे तो अपना पब्लिक देख देख के हैरान हो जा रहे हैं, इतनी पब्लिक आ कहाँ से रही है भाई। वो बहुत मुश्किल से जाना पड़ रहा है अपने को, नालियों से टप टप के जा रहे हैं वहाँ पे, देख लो भाई जाम ही जाम है पूरा, ई रिक्शा भरे पड़े हैं। फिलहाल अभी अपन चल रहे हैं गुरुद्वारा साहब, टाइम तो हो गया 1:30 बजे, फटाफट लंगर छकेंगे और उसके बाद है अपनी है वंदे भारत गाड़ी, जो भाई साहब अयोध्या से 3:20 में डिपार्चर हो जाती है गाड़ी, वहाँ तक 3-3.5 घंटे में भाई साहब अपने कानपुर पहुँचा देगी, काफ़ी सुपर फास्ट अंदर ही खाना पीना रहेगा बहुत। जो अभी का सीन यहाँ पे गुरुद्वारे चेक कर लो। चलो भाई अभी अपन जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब के दर्शन के लिए, दर्शन ही किए ना सुबह से, रेडी हो गए अभी अपन चले गए राम जी के दर्शन करने। अभी चलो भाई ऊपर आ गए दरबार साहब दर्शन करने के लिए, तो यहाँ से गुरुद्वारा साहब जाने के लिए यहाँ से बंद है, ये है साइड गेट। चलो जी आएगी भाई, दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं गुरुद्वारे साहब के, अभी नीचे चल रहे हैं वीर जी से, नीचे चले गए। ओहो दरवाजा काफ़ी टाइट हो गया था। लंगर हॉल की संगत चेक कर लो, काफ़ी संगत हो रखी है, यहाँ से प्लेट व्लेट अपने को सेल्फ लेनी पड़ेगी। फिलहाल अभी अपन ने लंगर छक लिया है, वीर जी वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पे देखो लंगर की सेवा चल रही है। वैसे आपको टाइम बता दे तो अभी हो रहे हैं 1:45, गरीबों को लंगर की सेवा करे जा रहे भाई। चलो भाई अंदर चलते, सेवादार के पास ना बैग है, गटरी का भी रखवाया हुआ है, तो वहाँ से बैग वैग ले ले। लो जी गाइस यहाँ से अभी बैग निकालते हैं। देखो भाई बच्चे लोग वहाँ सामने बैठ के लंगर छक रहे हैं। ओहो कितनी सेवा हो रखी है भाई यहाँ पे, रात को भी सेवा चलती है लंगर की यहाँ पे। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, राम जी के भी दर्शन हो, गुरुद्वारे साहब के भी दर्शन हो गए। सब अपन ने ई रिक्शा ले लिया, यहाँ से अभी जा रहे हैं अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन में, और यहाँ पे चेक कर लो 2 रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, अयोध्या धाम जहाँ पे अपन मॉर्निंग में उतरे थे, और अभी अयोध्या कैंट से अपनी वंदे भारत है। फिलहाल जाम में अभी अपन खड़े हो गए, लंबा जाम, गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही है ना सामने, बताओ 7 सीटर गाड़ी यहाँ से पटली से रोड से लेके आ रहे हैं भाई, फुल बैरिकेटिंग होके रखी है यहाँ पे। देखो भाई साहब योगी जी आ रहे हैं ना इस नाम से फुल भाई, वहाँ पे नाकाबंदी वगैरह भी चल रही है, आना जाना तो नहीं जाना। वो बलैरे वाला गाड़ी मोड़ के खड़ा है भाई, इतना तेज बारिश चालू हो गई। ओहो हो बाहर फोन को निकाल दिए भाई साहब, स्टेशन ही पहुँचे बताओ, 1:45 बजे से निकले हुए हैं, 2:30 बजने को आ गए। अरे गाड़ी बंद हो जाती यार, क्या सिस्टम हो गया गाड़ी का, गाड़ी ना पानी में भीग रही है ना भाई, खराब हो रही है। ये देखो 2:30 बज रहे हैं अभी, पैसा लिया देखो भगाते हुए जा रही रिक्शा वाला, स्टेशन कहाँ पे पता नहीं, सामने स्टेशन बोल के कहाँ चले गया पता नहीं यार। ये गाड़ी चेक करो, नई प्रकार की गाड़ी दिख रही है भाई, काफी पीछे उतार दिया गाड़ी वाले ने तो, लिटरल आज बोल रही है, ऊपर से बारिश हो रही है भाई, सीधा आगे चल रहे, क्या कर रहे हो। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन चेक कर लो भाई, कितनी यहाँ पे पब्लिक है भाई, यहाँ पे आए थोड़ा अच्छा लगा, पूरा भीग चुके सामने वंदे भारत खड़ी है, वाह 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 वाह, ये रही वंदे भारत। और यहाँ पे अभी अपन कोच ढूंढ रहे हैं भाई साहब, सबसे आगे कोच आपका, अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली से आई है ना, ये रहा भाई साहब C3 आ गया वीर जी। अयोध्या कैंट अभी अपन गेटिंग हॉल पे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं गाड़ी, और गेट अभी खुले नहीं है ना, अभी तो 2:30 बज रहे हैं, 3 बजे तक गेट खोल देंगे, तो अभी फिलहाल गेटिंग हॉल पे अपन बैठे हैं। सामने वंदे भारत है और ईस्ट राइड होने वाली है अभी अपनी, फर्स्ट बार अपनी ट्रेन जर्नी रहने वाली शॉर्ट ही है, 3-4 घंटे में पहुंचा देगी भाई साहब। इस वीडियो को फिलहाल करते हैं एंड, करते आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रेन जर्नी अयोध्या से कानपुर तक की वंदे भारत की जर्नी रहने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, वो करते हैं आपने यहाँ पे वीडियो देख, लाइक कमेंट शेयर नहीं किया फटाफट जाके चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आओ। बाकी आज का सीन तो आपने देख लिया, बढ़िया से राम जी के दर्शन भी हो गए, गुरुद्वारा साहब में भी अपन दर्शन कर लिए, बढ़िया बढ़िया ब्लेसिंग ले ली बाबा जी की। ठीक गाइस, गुड नाइट, स्वीट इन, टेक केयर एंड ओके एंड बाय बाय।